अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के कारण अलग ही पहचान रखने वाले टिहरी गढ़वाल के पांचवें धाम कहे जाने वाले बूढ़ा केदार में हर साल कैलापीठ देवता का ऐतिहासिक मेला लगता है। लगभग 500 सालों से चली आ रही इस अनोखी परंपरा में शरीक होने के लिए दूर दूर से लोग यहां आते हैं। इस बार भी भिलंगना ब्लॉक के बूढ़ा केदार में 3 दिवसीय कैलापीर मेले का रंगारंग आगाज हुआ। ग्रामीणों ने पूजा अर्चना करने के बाद गुरु कैलापीर देवता के निशान के साथ खेतों में दौड़ लगाई और देवता को पुआल चढ़ाया। इस अवसर पर बूढ़ा केदार पहुँचे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बूढ़ा केदार को पर्यटन और तीर्थाटन से जोड़ा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट रावत ने डीएम को 1 सप्ताह में भेजने के निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान सीएम ने जूनियर हाई स्कूल पोनाड़ा और निवाल गाँव हाई स्कूल को इंटर का दर्जा देने की भी घोषणा की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव क्षेत्र को भांपने में लगे हैं। यही कारण है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए सूबे के मुखिया दमाऊं और शिक्षा मंत्री ढोल बजाते नजर आ रहे हैं। गुरु कैलापीर मेले में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहाड़ की पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र दमाऊं और शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने ढोल का वादन किया। इस दौरान ढोल दमाऊं की थाप पर दर्शक भी खूब झूमे। साथ ही सीएम व शिक्षा मंत्री ने कैलापीर देवता का आशीर्वाद भी लिया। अपने ही विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक मेले में पूर्व विधायक भीमलाल आर्य को जनाक्रोश का सामना करना पड़ा। इस मेले से कहीं न कहीं अपनी सेठ सीप तलाश रहे आर्य को चुनावी संदेश जरूर गया होगा कि विधानसभा चुनाव की लड़ाई लड़ना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होगा।